तो शुरू करते हैं, है ना। बोर्स मॉडल सिर्फ इसके जो बेसिक डेरिवेशंस है ना वो देखने हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तुमको एक 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 सिंगल फॉर्मूला बता दूंगा मैं, वहां से सारे फॉर्मूले अपन डिराइव कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमको बोर मॉडल में क्या क्या कैलकुलेट करना है। बोर मॉडल ऑफ एटम है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में, जिनको हम लोग बोलेंगे क्या, उन ऑर्बिट्स का नाम पता है ना, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलेंगे। और उन ऑर्बिट्स में जो इनका एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, एम वी आर, दैट विल बी क्वांटाइज, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, है ना, ये होता है ना, याद है, बोलो, अरे पढ़े होगे ना एक नंबर में बचपन में, एम वी आर इज इक्वल टू एच बाई टू पाई केमिस्ट्री में, है ना। हाँ सर, गुड। चलो, तो कुछ नहीं, जेड क्या है, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, जेड ई, आ रही बात समझ, बोलो ना। और एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब बेसिकली क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कहने का मतलब जो ऑर्बिट का नंबर है वो, बोलो आगे बढ़े, नंबर ऑफ शेल। चलो, तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में, तो इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। वो कौन दे रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मिल रही है ना, ये वाली फोर्स, ठीक है। हाँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो, क्यों, बराबर, यस सर। तो कितनी है ये फोर्स बता सकते हो, क्या इक्वेशन बनेगी, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, के इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, कोई परेशानी इसमें नहीं सर। तो आर आर कट जाएगा, ठीक है ना, ये इक्वेशन मैं अभी दिखा भी रहा हूं, है ना, चिंता करने की बात नहीं है, समझ गए सारे लोग। देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय कोलंबिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, कोई परेशानी। अच्छा, मैंने शायद के जेड स्क्वायर बाई आर कर दिया क्या, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा ना, नहीं, कूलम्ब फोर्स ये होता है ना। हाँ सर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, समझ गए, के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। तो ये इक्वेशन नंबर वन और ये मेरा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो इस वाले इक्वेशन से एम वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो तो एम वी स्क्वायर आ जा रहा है हमारे पास, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है जेड ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक आर से एक आर कट गया, क्यों, बोलो। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या मिल रही है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यों, बोलो। हाँ सर, है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले इक्वेशन में दिख रहा है क्या तुमको आर, पहले वाले इक्वेशन में आर दिख रहा है, यहां से आर उठाता हूँ, वाले इस वाले इक्वेशन में फीड कर देता हूं। तो पहले वाले इक्वेशन में क्या दिख रहा है, बताओ तो आर कितना है पहले वाले से, आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एम वी, टू पाई एम वी, क्यों, पाई एम वी, कोई परेशानी नहीं सर। तो ये वाला आर मैं उठा के यहां डाल देता हूं, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू, गुड, एम वी स्क्वायर इज जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू एन एच बाय 2 पाई एम वी, देखो तो सिंपल सा, बोलो। अब यहां से काटना शुरू करते हैं, तो m और m कट गया, ये वाले v से एक v कट जाएगा, बोलो, पाई से पाई कटेगा, और 2 पाई से 4 पाई से 2 कट गया। हाँ सर। तो यहां पे मुझे आ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है z e स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच,
ठीक है, इस चीज को देखो जरा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, इस चीज को मैं लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाय एन। ठीक है, ई स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाय एन। आई बात समझ में सबको, कोई परेशानी इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको आया यहां से इक्वेशन आई, सब कुछ कर कुरा के ये मैंने तुमको कर दिया यहाँ पे। देखो ये आती है वेलोसिटी की वैल्यू। तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, और ये डिपेंडेंस याद रखना है कि v इज इक्वल, इस चीज को मैं लिख दूंगा v नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v नॉट जेड बाई एन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ ही साथ तुमको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि v नॉट की वैल्यू क्या होती है, v नॉट की वैल्यू ये तुमको याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये याद रखना ही रखना है। तो कांस्टेंट होगा ना सर? क्या वो तो एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना? हाँ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं याद रखना है तुमको, ये याद रखना है, ये e स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये है मेरी v नॉट की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना है और दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, आई बात समझ? हाँ, तो ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक, कोई परेशानी इसमें? बहुत छोटा सा है, डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, चलो, तो ये आ गया। हाँ, मैंने बोला ये मेमोराइज करो इसको, हेल्प यू टू डिराइव अदर फॉर्मूले। ठीक है, ये याद रखना इसको। ठीक, कोई परेशानी नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो r की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, r की वैल्यू वहां से पहले वाले इक्वेशन से क्या आई थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई था, बोलो। हाँ, और v की वैल्यू हमने क्या डाली थी, e स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एच, ठीक है, इंटू जेड बाई एन, बोलो, इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन थी ना, उसमें v की वैल्यू डाल दी मैंने। ठीक है, कोई परेशानी? बोलो ना रे। तो देखो, तो r की वैल्यू क्या आ जा रहा है, ये n उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, और बाकी सब कुछ कांस्टेंट दिख रहा है क्या मेरे को? देखो तो यहां देख के बताओ तो, तो मैं r इज इक्वल टू ऐसा लिखता हूं n स्क्वायर बाई z, और बाकी चीजें देखो तो क्या क्या आ रहा है उधर, n स्क्वायर बाई z, ये आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू h, इसको उधर लेके जाता हूं इस वाले टर्म को। ठीक है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू h बाई 2 पाई, नीचे में 2 पाई लिखता हूं, चलेगा, बाय एम ई स्क्वायर, ये वाला टर्म जो रह गया था। अब ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है, ये जो अपने को दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो टर्म है, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, इसमें सारे कांस्टेंट है क्या? देखो तो, हाँ सर, सब कांस्टेंट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं आर नॉट, जिसको हम लोग बोर रेडियस भी बोलते हैं, मालूम है ना, ये पूरी चीज को आर नॉट लिख देंगे। अरे आई बात समझ? तो r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर मान लो, अब यहां से पूछा जाए कि अगर मान लो मैं n का वैल्यू, अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं तो रेडियस का हो जाएगा 4 टाइम्स। अरे बात समझ? हाँ सर। अरे बोलो ना, आ रहा है ना सर। अरे हाइड्रोजन की जगह हीलियम लूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले ऑर्बिट का रेडियस डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा। दूंगा झापड़ घुमा के, अगर हाइड्रोजन की जगह हीलियम लूंगा तो रेडियस आधा हो जाएगा ना, समझ रहे हो? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाफ हो जाएगा। सिंपल है ना रे, ना आसान है। वो रेडियस की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो। हाँ सर, v की वैल्यू कितनी मानी आपने, हमने v नॉट z बाई n मानी थी ना,
अरे बोलो ना, यही माना था हमने वेलोसिटी का वैल्यू। हाँ सर, इसको डाल दिया हमने, तो ये क्या गया, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ये जो चीज है ये तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वी नॉट तो हमने कॉन्स्टेंट लिया था ना, वी नॉट क्या लिया था हमने, याद करो फिर से, ई स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एच, नॉट एच, याद रखना इसको, ठीक है। Yes, sir. V naught is equal to E square by 2 epsilon naught H. बोलो परम पटेल क्या दिक्कत है तुमको? अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे Z E चार्ज है, यहाँ पे माइनस E चार्ज है, डिस्टेंस कितना है R, K, Q1, Q2 by R, तो क्या होगा 1 by 4 pi epsilon naught माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। क्यों माइनस साइन? क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है कि नहीं? हाँ, बोलो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक, कोई परेशानी बताओ? नहीं सर। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी निकालते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और एक चीज हमको पता है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर कितना है, देखो तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स वाला फॉर्मूला, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, नहीं? अरे बोलो ना। हाँ सर, ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो था इलेक्ट्रॉन के घूमने का, वहीं से आ रहा था ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है, k q1 q2 / r² से इक्वेट कर दिया, तो mv² कितने के बराबर आ रहा है, यहां से देखो तो kz kz / r, आ रही बात समझ? हाँ सर। तो अब देखो मेरे को यहाँ से रिलेशन मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और ये जो चीज है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, क्यों, जो कि कितने के बराबर है, माइनस एम वी स्क्वायर के बराबर है क्या, देखो तो इस इक्वेशन से, बोलो। हाँ सर, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी होगी बता सकते हो? टोटल टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो क्या होगी, माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होगी क्या? माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? यस सर, होगी ना। हाँ सर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है माइनस ऑफ टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, याद रखना इसको, क्यों? हाँ सर, है ना, सिंपल। यस सर, वही मैंने लिखा यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर, टोटल एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव, दिख रहा है ये, देखो बोलो ना। हाँ सर, हाँ सर, मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव है, समझ में आ गया सबको कि नहीं? समझ आ गया सर, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना, आई बात समझ? सर माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर क्यों लेते हैं सर? क्या क्या माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर क्यों लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये बताओ पहले मुझे, के क्यू वन क्यू बाई आर स्क्वायर, के सॉरी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, हाँ, तो Q1 कितना है ZE, Q2 कितना है E with a minus sign। अच्छा हाँ हाँ, उसके वजह से है minus, ठीक है सर, समझ गया। अरे ये मैंने गलत कर दिया, मतलब ऐसा समझो ना, potential energy is negative, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, नहीं समझे? हाँ हाँ सर, अभी समझ गया, है ना, ये गलत कर दिया यहाँ पे, अब ठीक है, ठीक है, आया समझ? हाँ सर। टोटल एनर्जी कितनी है, नेगेटिव है, एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्लियर? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, आई बात समझ? हाँ सर, है ना, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है,
इतना समझ है कि नहीं? बोलो। हाँ सर, समझ गया सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया था, अब टोटल एनर्जी आया था माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये चीज देखो, यहाँ पे हमने वेलोसिटी कितनी ली थी, वी नॉट जेड बाई एन ली थी ना, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था। हाँ सर। ये वाला उठा के यहाँ पे डाल दिया, कोई परेशानी इसमें नहीं? Okay. अब इसमें जो टर्म है, इसमें जो एक टर्म है, ये वाला टर्म मैं उठा लूंगा और इस पूरे टर्म को लिख दूंगा E नॉट लिख दूंगा। आई बात समझ? बोलो। यस सर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके गुड, यानी कि एनर्जी का भी जेड और एन से डिपेंडेंस मिल गया। अब जो वैल्यू डालोगे ना, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। अब ई नॉट की वैल्यू मैं तुमसे पूछ दूंगा, तो ई नॉट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? जैसे मान लो, बताता हूँ, हाफ ऑफ एम, और वी नॉट की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, बोलो, ई स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एच, ये लिखी थी ना? हाँ सर। ये मेरा ई नॉट है, आई बात समझ? अब ये मैं तुमको डेरिवेशन क्यों याद करवा रहा था, क्योंकि कभी कभी मान लो एग्जाम में ऐसा पूछ दिया कि मान लो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डबल कर दी मैंने, ठीक है, तो बताओ पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। आ रही बात समझ में, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। एम ई स्क्वायर बाय एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये है ई नॉट की वैल्यू, समझ रहे हो? अब ये मैंने तुमको वी नॉट की वैल्यू इसलिए रटवाई थी अब कि V नॉट से ये चीज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये पूरी चीज याद करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये छोटी सी चीज याद करना आसान है, समझ रहे हो? बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर, समझ रहे। तो अगर तुमको V नॉट याद है तो तुम उससे E नॉट की वैल्यू भी बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि E नॉट की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। ओके सर। तो अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि बताओ, अगर प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू डबल कर दूं तो E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं तुमसे पूछूंगा, मान लो एक हाइपोथेटिकल एटम लेता हूं, ठीक है, ये सब की वैल्यूज पुट करोगे तो ये ई नॉट की वैल्यू आती है। मान लो एक हाइपोथेटिकल एटम लेता हूं, एक हाइपोथेटिकल यूनिवर्स लेता हूं जहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो गया है, तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या हो जाएगा, बताओ? हाफ हो जाएगा। नहीं, वन फोर्थ हो जाएगा, डबल हो गया। हाँ, वन फोर्थ होगा सर, वन फोर्थ। वो 3.4 हो जाएगा। आई बात समझे? -3.4, क्लियर? हाँ सर। इसलिए तुमको याद करवाया मैंने, आ रहा समझ? यस सर, अभी समझ है ना? हाँ सर। तो ये चलो, बाकी अब ये बताओ, जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, घटेगी नहीं? क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है, n बढ़ाओगे तो ये इस चीज का मैग्नीट्यूड कम होगा, मतलब वो कम नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ? एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, That's why, ठीक है? हाँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये तो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी थी ना? काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बोलो? काइनेटिक एनर्जी है इसी चीज का माइनस माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन। यस, तो ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी लेकिन टोटल एनर्जी बढ़ेगी, क्लियर? है ना, सिंपल। और पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी सर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ 2 KE है ना? हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम नेगेटिव हो रहा है ना? हाँ सर, सिंपल है, आ रही है ना सर? कोई किसी को कुछ भी परेशानी है तो पूछ लो,
बोलो। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये थी इसका डबल माइनस ऑफ, मतलब ये चीज जो था ना ई नॉट जेड स्क्वायर पे एन स्क्वायर का माइनस ऑफ टू, तो जैसे जैसे एन बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव होती जाएगी, समझे कि नहीं। तो समझ ये गया था सर। हमारा बोर मॉडल का बेसिक डेरिवेशन, यही सब चाहिए होता है अपने को, है कि नहीं क्लियर। हाँ और ये पता, ये तो पता ही हो तुमको कैसे कैसे एटम्स के लिए वैलिड होता है, कैसे स्पीशीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है ना, वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन एटम है ना, एच ई प्लस है एच ना, बी टू प्लस, ये सब है ना। बोलो, हाँ सर ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, क्लियर, कोई परेशानी इसमें, नहीं। एकदम ही आसान है।